क्या शिवपाल ने समाजवादी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है? क्या बीजेपी के संपर्क में है शिवपाल यादव? यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर से एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। शिवपाल और उनके समर्थकों की अचानक बढ़ी सक्रियता के बाद उनके अगले सियासी कदम को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। जी हां, प्रदेश की सियासी गलियारों में शिवपाल यादव के नई पार्टी बनाने या फिर उनके किसी और पार्टी में शामिल होने को लेकर कयासों का दौर जारी है। पिछले काफी दिनों से एसपी में साइडलाइन चल रहे शिवपाल यादव और उनके समर्थकों की अचानक बढ़ी सक्रियता ने प्रदेश का सियासी पारा गर्मा दिया है। सूत्रों की माने तो शिवपाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के संपर्क में है। शिवपाल के करीबियों के मुताबिक शिवपाल यादव अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। झंडा और बैनर अभी तय नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में उनके लिए रास्ता अब बंद हो चुका है। पार्टी में अब शिवपाल चाचा की चलती नहीं है। भतीजा अखिलेश यादव से उनका 36 का रिश्ता जग जाहिर है। हालांकि हाल ही में अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच की तल्खियां खत्म होने की खबरें सामने आई थी। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर शिवपाल उन्हें केक खिलाते भी नजर आए थे। ऐसा लगा राम और भरत मिलाप हो रहा है। लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिवार में रिश्तों की तनातनी कायम है। शिवपाल यादव अब भले ही समाजवादी पार्टी के एक नए सामान्य विधायक भर रह गए हैं, लेकिन उनकी सक्रियता कभी कम नहीं हुई। वे हर हफ्ते अपने गृह जिले इटावा का दौरा करते हैं। समर्थकों से उनकी भेंट मुलाकात होती रहती है। पार्टी दफ्तरों में उनके लिए भले ही जगह नहीं बची हो, लेकिन एसपी ऑफिस के बगल में ही ओलिया ट्रस्ट का दफ्तर है, जहां वो हर दिन 2-3 घंटे दरबार लगाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2019 से पहले शिवपाल कांग्रेस और बीजेपी में किसे अपना नया सियासी ठिकाना बनाते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।